बड़ी खबर लखनऊ से है, जो अमीनाबाद में बुलडोजर चला। परिसर में अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम शुरू हो गया है। पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बुलडोजर चला है। तो देखिए, योगी सरकार का पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल हो, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहां जारी है और अवैध जो निर्माण है उसे लगातार ढाया जा रहा है। अब लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बुलडोजर चला है। पुराने हनुमान मंदिर में लखनऊ के अमीनाबाद में ये बुलडोजर चला है। कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम शुरू हुआ है। अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया और इंक्रोचमेंट को यहां पर हटाया जा रहा है। और अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अभिनव। अभिनव, जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, अब लखनऊ के अमीनाबाद में भी बुलडोजर चला है, क्या कुछ हुआ यहां, क्या नोटिस भी दिया गया था? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितनी भी अवैध इमारतें हैं उत्तर प्रदेश भर में, उनको बाकायदे अलग अलग प्राधिकरणों के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 400 इमारतें ऐसी हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज जिस तरह से अमीनाबाद में पहले इसको डायनामाइक्स उड़ाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि बगल में भी कई ऐसे बिल्डिंग हैं जो वैध है, जो लीगल है, उन पर भी जो है इसकी मार पड़ सकती थी, उनमें भी क्रैक आ सकता था। इसकी वजह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए सुबह से ही कार्रवाई हो रही है। अवैध जो चिन्हित बिल्डिंग हैं उनको कार्रवाई कर, उनको गिराने का काम किया जा रहा है, उनका अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसी सूरत में अब एक नई ने मैं बता दूँ कि चिन्हित की हुई जो इमारतें हैं जिनको कि गिराना है, उन लोगों के लिए बाकायदे एक बहुत बड़ी चुनौती और वो जो है बहुत दहशत में है, क्योंकि उन सभी लोगों को बाकायदे प्राधिकरण द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा उनको मार्क कर दिया गया है कि ये इमारतें अवैध हैं।